नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल टिक बॉस चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे आधार कार्ड अपडेट करने के बारे में कि आधार कार्ड कैसे अपडेट होता है और वो बिल्कुल घर बैठे आप अपडेट कर सकते हैं। दोस्तों, तो इसमें क्या क्या अपडेट करने का हमें ऑप्शन मिल जाता है, ये जो सर्विस है ये पहले भी था लेकिन अभी कुछ दिन पहले ये हटा दिया गया था और दोस्तों इसको वापिस फिर से अपडेट कर दिया गया है। और अपडेट करने के बाद दोस्तों उसमें कुछ चेंजिंग किया गया है, तो उसी चेंजिंग के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि कैसे अब अपडेट होगा और क्या क्या हमें उसके साथ डॉक्यूमेंट देना होगा और उसमें क्या क्या मतलब अपडेट कर पाएंगे, क्या उसमें मोबाइल नंबर भी अपडेट कर पाएंगे या फिर डेट ऑफ बर्थ भी अपडेट कर पाएंगे। तो दोस्तों, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि हम कहीं बाहर में रहते हैं और वहाँ पे आधार कार्ड हम बनवा चुके हैं लेकिन जब वापिस अपने गांव पे रहने आते हैं तो मुझे यहाँ का आधार कार्ड का सख्त आवश्यकता पड़ता है। तो इस सिचुएशन में दोस्तों अभी क्या हो रहा है कि आधार अपडेट जो है जो हर हर जगह पे अवेलेबल नहीं है, अपडेट करवाने के लिए बहुत सारी कठिनाइयों का सामना हम लोग को करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, इसको देखते हुए UID ने ऑनलाइन व्यवस्था जारी कर दिया है। तो चलिए हम जानते हैं कि कैसे आधार को अपडेट करना है। तो दोस्तों, आपको भी क्या अपडेट करना है आधार कार्ड, हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक टेक्निकल इतिक बॉस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो इसके लिए दोस्तों हम लोग सबसे पहले चलते हैं UIDA के वेबसाइट पे, जो कि आप लोग सभी जानते होंगे UIDA के वेबसाइट। उसका आपको वेबसाइट भी मैं बता दूं, UIDAI.gov.in जो इसका मेन वेबसाइट है। दोस्तों, ये कुछ इस तरह का इसका इंटरफेस दिखाई देगा आपको और यहाँ पे है दोस्तों, यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। तो जो आज मैं ऑप्शन की बात करने वाला हूँ उसमें सिर्फ आधार अपडेट की बात करूंगा। अगर आपको नया आधार कार्ड भी बनाना है तो उसके लिए भी आप यहाँ पे एनरोलमेंट बुक करके आप बना पाएंगे, जो कि बहुत पहले जब आधार कार्ड का यहाँ पे थोड़ा सा नाम चलता था कि आधार कार्ड बनता है, उस समय वो व्यवस्था था लेकिन फिर से उसी को लाइव किया गया है। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले जो आना है वो आपको माई आधार पे आना है। माई आधार पे आपको आने के बाद यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। जो ऑप्शन की मैं बात कर रहा था दोस्तों, एनरोलमेंट बुक करने के लिए अपडेट आधार एट एनरोलमेंट अपडेट सेंटर, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे आधार का अपडेट का सेंटर है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों आधार अपडेट का। तो आधार अपडेट यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो गेट आधार है उसके बगल में हाइड करके लिखा हुआ है अपडेट योर आधार। तो उससे दोस्तों आप तीसरे नंबर पे आएंगे तो आपको मिल जाएगा अपडेट योर आधार ऑनलाइन। तो चलिए हम इस सॉरी अपडेट योर एड्रेस ऑनलाइन, तो चलिए हम इस पे क्लिक करते हैं और क्लिक करके जानते हैं कि हमें कैसे अपडेट करना है। तो इसका भी दो माध्यम है दोस्तों अपडेट करने के लिए, प्रोसेस टू अपडेट आधार और यहाँ पे रिक्वेस्ट फॉर एड्रेस वैलिडेशन लेटर। तो आज जो है दोस्तों कि हम लोग जानेंगे अब प्रोसेस टू अपडेट आधार। तो चलिए दोस्तों, प्रोसेस टू आधार अपडेट पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा और यहाँ पे आपको क्या करना है, आधार नंबर डालना है या वर्चुअल आईडी डालना है। तो आप यहाँ पे सिंपली आप आधार नंबर डाल दें। तो चलिए हम यहाँ पे अपना आधार नंबर टाइप कर देते हैं। आधार नंबर टाइप करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जो है कि कैप्चा कोड फिल कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पे कैप्चा कोड को भी फिल कर देते हैं और कैप्चा कोड फिल करने के बाद दोस्तों आपको सेंड OTP पे क्लिक कर देना है। सेंड OTP पे क्लिक करने का क्या मतलब होता है दोस्तों, इसको भी मैं आपको बताऊंगा कि जिनका मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है वो कैसे अपडेट करवाएंगे, वो चीज भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे जो है कि हमारा वेरिफिकेशन कोड एक मोबाइल पे भेज दिया गया है। तो हम यहाँ पे देखिए इंटर OTP और TOTP, तो हम यहाँ पे इंटर OTP कर देते हैं जो कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारा OTP क्या आया है और OTP हम यहाँ पे डाल देते हैं। और ये देखिए दोस्तों, मैंने अपना यहाँ पे OTP जो मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आया था उसको मैं यहाँ पे डाल दिया हूँ। और इसके बाद दोस्तों है कि आपको लॉगिन कर लेना है। तो लॉगिन करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे प्लीज सेलेक्ट योर वर्ल्ड लिंक टू अपडेट एड्रेस। तो यहाँ पे अपडेट एड्रेस वाज एड्रेस प्रूफ
और यहाँ पे आ रहा है अपडेट एड्रेस वाज सेलेक्ट कोड। तो अपडेट एड्रेस वाज सेलेक्ट कोड क्या है दोस्तों, इसके बारे में हम लोग बाद में जानेंगे, पहले हम लोग सीधा सीधा प्रोसेस को देख लेते हैं। तो अपडेट एड्रेस वाज एड्रेस प्रूफ, तो इसमें क्या है दोस्तों कि आपको एड्रेस प्रूफ जो है वो देना पड़ेगा, और जो आपको अपडेट आधार वाज सेलेक्ट कोड इसमें आपको नहीं देना पड़ेगा, लेकिन नहीं देना पड़ेगा दोस्तों, लेकिन इसका कुछ प्रोसेस अलग है, तो हम इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम अपडेट आधार पर प्रूफ दे देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते होंगे दोस्तों कि मेरा जो है कि जो भी मेरा करंट एड्रेस है वो यहाँ पे दिखा रहा है, और इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे में भरने के लिए आ जाएगा, केयर ऑफ आप भर दीजिए, और उसके बाद हाउस बिल्डिंग अपार्टमेंट नंबर, सेलेक्ट रोड लाइन और एरिया लोकेलिटी सेक्टर, और लैंडमार्क, लैंडमार्क जो है दोस्तों ऑप्शनल है, अगर आप भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप नहीं भी डाल सकते हैं। जो इसमें इंपॉर्टेंट है दोस्तों वो पिन कोड है, और सिटी है, पोस्ट ऑफिस है, डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है, और इसके बाद जो है कि आप प्रीव्यू देख सकते हैं। तो चलिए हम इसको फटाफट से भर लेते हैं, उसके बाद आगे का प्रोसेस देखते हैं। और दोस्तों ये मैंने पूरा भर लिया है अपना फॉर्म को, और उसके बाद जो है दोस्तों कि आपको यहाँ पे सारा सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको यहाँ पे पिन कोड डाल देना है, उसके बाद जो है कि आपको विलेज, टाउन, सिटी सेलेक्ट कर लेना है, पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट कर लेना है, पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट करने के बाद आपको डिस्ट्रिक्ट और स्टेट ऑटोमेटिक आ जाता है, और उसके बाद दोस्तों कि आपको प्रीव्यू देख लेना है। तो चलिए हम प्रीव्यू देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे मैंने अपने एड्रेस को सेलेक्ट किया था, यहाँ पे दिखा रहा है प्लीज रिव्यू योर अपडेट एड्रेस ब्लू, जो आपका ये है दोस्तों जो यहाँ पे आपको शो कर देगा जो अभी आप अपडेट किए हैं। और अगर आपको यहाँ पे प्रीव्यू में कोई आपको दिक्कत आती है तो क्या कहे दोस्तों कि आप यहाँ पे एडिट का ऑप्शन देख पा रहे होंगे कि एडिट जाके आपको यहाँ के एडिट करना है, फिर से अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो, मतलब आपको यहाँ पे अगर किसी स्पेलिंग वगैरह में आपको दिक्कत लग रहा है तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एग्री करके और आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पे सबमिट करते हैं, और सबमिट करने के बाद आगे का प्रोसेस देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे बताया जा रहा है अपलोड कॉपी फॉर वैलिड एड्रेस प्रूफ, यानी आप जहां का एड्रेस, आप जहां का आधार अपडेट कर रहे हैं वहां का दोस्तों आपको एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा। तो एड्रेस प्रूफ जो है दोस्तों मिनिमम 2 MB का होना चाहिए, और JPG PDF, यानी आप किसी भी फाइल को यहाँ पे दे सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके पास अगर वोटर आईडी कार्ड है, राशन कार्ड है, या फिर कोई भी सरकारी कागज है तो उसको आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। और अपडेट अपलोड डॉक्यूमेंट करने के बाद दोस्तों आपको सबमिट कर देना है, और सबमिट करने के बाद दोस्तों आप जैसे अपना आधार का स्टेटस चेक करते हैं उससे थोड़ा सा हटके आप यहाँ पे आएंगे माई आधार पे, और अपडेट एड्रेस यहाँ पे देख सकते हो, क्लिक के चेक एड्रेस अपडेट स्टेटस, यहाँ पे आप आके अपना जो रिक्वेस्ट दिया था उसको स्टेटस आप चेक कर सकते हैं। तो यही कुछ अपडेट था दोस्तों जो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको देना चाहता था। और हमारा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।